Guys, and welcome back to my channel. It's Shizzle here, and today we are going to make chocolate cake on Father's Day. So before starting the video, like, comment and share, subscribe and hit the bell icon for every new and latest video. Let's get started. So dry ingredients mein yahan liya hai 2 pinches of salt, 2 pinches of baking soda, 1 teaspoon of baking powder, 3 tablespoons of cocoa powder, 3 tablespoons of maida, और इन सारी चीज़ों को मैंने जो है सीव किया. वैसे ही ये सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स हैं, और वेट इंग्रीडियंट्स में मैंने 3 eggs लिए हैं रूम टेम्परेचर पे, हाफ कप ऑफ जो है मैंने बटर, घी या ऑयल, तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर लिया है, मिल्क लिया है एज रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले एक बोल के अंदर हम सारे जो हमारे ड्राई इंग्रीडियंट्स हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने सीव किया हुए ये डाल देंगे. ठीक है, बेकिंग पाउडर, 2 पिंचेस ऑफ सॉल्ट, 2 पिंचेस ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा से हमारा जो केक है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट बने. अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने जो है मिक्स करना है. देखिए मैं इसको मेक श्योर कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं सीव हुई भी होंगी तो केक एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेगा और ख़राब भी नहीं होगा. ठीक है, ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है. और ये केक हम विदाउट अवन बना रहे हैं, तो जिन लोगों के पास अवन नहीं है तो वो ये केक ईजीली बना सकते हैं माइक्रोवेव में. ठीक है, ये अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो आपने इनको जो है साइड पे कर देना है. और फिर एग्स लेने हैं, 3 एग्स दैट आर ऑन रूम टेम्परेचर, और विस्क की हेल्प से इसको अच्छे से आपने बीट कर देना है. तो मैं इसको अच्छे से जब कर लूँगी बीट तो मैं वापस आती हूँ. अच्छे से जो है बीट कर लिया है, और अब हम इसके अंदर जो है डालेंगे पाउडर शुगर थोड़ी थोड़ी करके. ये मैंने थोड़ा ग्रेजुअली डालना है, थोड़ा सा मैंने डाला है और थोड़ा सा उसमें रह गया है. आपने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है. मेक श्योर ये अच्छे से मिक्स हुआ हो तभी हमारा केक सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा. देखो आपने इसको अच्छे से बीट करना. ठीक है, कि बेकिंग की भी टेक्निक्स होती हैं कि आपने इसको आराम आराम से एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फोल्ड करना है. देखिए इस तरह से एक ही डायरेक्शन में और वेरी स्मूथली और वेरी लाइटली इसको आपने फोल्ड करना है स्पैचुला के हेल्प. ये देखिए गाइस, ये देखिए मैंने जो है इसको अच्छे से फोल्ड करके और इसके अंदर 2 बिग टेबल स्पून ऑफ मिल्क भी ऐड कर दिया, और अब ये इस तरह से क्रीमी हो गया. देखें अब हम इसको ग्रीस करते हैं. इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बटर या घी कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस ग्रीस करना है आपको. इससे ये होगा कि ये जो है केक हमारा बिल्कुल भी साइड्स पर स्टिक नहीं होगा. अब मैं आपको जो हूँ इसको बैटर को इसके अंदर डालती हूँ और फिर आपको माइक्रोवेव की टाइमिंग भी बता देती हूँ. बस आपका जो बैटर है वो इस तरह से होना चाहिए क्रीमी कंसिस्टेंसी में. केक
वो मैंने रख दिया है, मतलब केक के बैटर को मैंने रख दिया है माइक्रोवेव के अंदर, और इसको 2-3 times टैप भी कर लिया ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। अब हम जो है इसको 600 पे रखेंगे, 600 और फिर स्टार्ट करेंगे। चॉकलेट सॉस रेडी करने के लिए 2 tablespoons ऑफ पाउडर्ड शुगर, 1 tablespoon ऑफ कोको पाउडर, 1 tablespoon ऑफ कॉर्न फ्लावर, 1/2 cup ऑफ मिल्क, 1 spatula, पैन लिया है उसको मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी है, और अब मैं ये सारी चीज़ें जो हूँ डाल देती हूँ इसके अंदर। और हमारा केक भी रेडी है, मैं आपको अभी केक भी दिखा चुकी हूँ। ठीक है, अब हमने इसको तब तक पकाना है तक ये थिक ना हो जाए, और फिर इसके अंदर ये 1/2 cup मिल्क ऐड कर देंगे हम। ठीक है, 1/2 cup ये अब इसको मिक्स करेंगे, और इसको तब तक आपने कुक करना है जब तक ये थिक ना हो जाए, मिक्स करें वरना लम्स बन जाएंगे। और केक को आपने तभी निकालना है जब उस वो कूल हो जाए, कूल डाउन हो जाए, वरना वो टूट जाएगा। गरम गरम निकाल लेंगे तो, अब इसको तब तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करें जब तक ये थिक ना हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो भी नहीं रखना और बिल्कुल हाई भी नहीं रखना, जस्ट मीडियम रखना है आपको। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने केक की तरफ। गाइस, हमारा जो केक है ये रेडी है बिल्कुल। टूथपिक डाला लेकिन कोई बैटर नहीं आया, और हमारी चॉकलेट सॉस रेडी है, और अब ये देखिए कितना सॉफ्ट है, अभी हॉट है ये, जब ये कूल डाउन होगा तो मैं आपको लेट यू नो। ठीक है गाइस, हमारा केक रेडी है बिल्कुल, अब बहुत सॉफ्ट बना है, और इसकी लेकिन शेप भी बिल्कुल ठीक आई, और हम इसके ऊपर चॉकलेट सॉस लगाते हैं, और मैं वापस आती हूँ, चॉकलेट सॉस लगाती हूँ और फिर वापस आती हूँ। देखिए, हमारा चॉकलेट फादर्स डे का केक रेडी है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का लग रहा है, और अब जब ये फ्रीज हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं अगेन चॉकलेट डालूंगी, और अच्छे टेस्ट के लिए। इतना सॉफ्ट है और इतना अच्छा बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने इस केक को ट्राई किया या नहीं, और नेक्स्ट रेसिपी किसके ऊपर होनी चाहिए, आप लोग ज़रा मुझे थोड़ा सा आइडिया दें। अल्लाह हाफिज़।